आज हम विकिपीडिया पर बनाने वाले हैं बैकलिंक्स। वेट, नो, लेट मी करेक्ट कि आज हम विकिपीडिया पर बनाने वाले हैं ऐसे बैकलिंक्स जिनको विकिपीडिया रिमूव नहीं करेगा, या फिर मैं कहूँ बहुत ही इफेक्टिव या फिर बहुत ही ऑथेंटिक बैकलिंक्स हम कैसे बनाए विकिपीडिया पर, ये आप जानेंगे आज इस वीडियो में। सो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WsCubeTech चैनल। सो विकिपीडिया जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, जब भी मैं बात करती हूँ बैकलिंक्स की या फिर SEO पॉइंट ऑफ व्यू से, और विकिपीडिया से बैकलिंक मिलना हर एक SEO का सपना होता है। आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि विकिपीडिया पर बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है पहली चीज़, और उसी के साथ साथ में इस पर डोमेन अथॉरिटी जो इसकी है, या फिर मैं कहूँ इसकी जो अथॉरिटी स्कोर है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो जब भी हमारी कोई ऐसी वेबसाइट है, चाहे मैं बिजनेस वेबसाइट की बात करूँ, ब्लॉग वेबसाइट की बात करूँ, तो अगर हमें विकिपीडिया से कोई बैकलिंक मिल रहा है तो वहाँ से अच्छा ट्रैफिक एज वेल एज अच्छा लिंक जूस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई पर्सन विकिपीडिया के किसी पेज पर विजिट करता है, विकिपीडिया का कोई यूज़र है, तो वो वहाँ पर अगर देखता है कि आपका लिंक लगा हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके वो विकिपीडिया से आपकी वेबसाइट पर आ सकता है। तो इससे आपको ट्रैफिक मिला, उसी के साथ साथ लिंक जूस पास हुआ। तो आज जैसा हमने डिस्कस किया कि हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि विकिपीडिया पर बैकलिंक बनाएं कैसे, और फिर उसी के साथ में हम ये देखेंगे कि ऐसे बैकलिंक कैसे बनाएं जो कि विकिपीडिया ना रिमूव करे, या फिर मैं कहूं कि विकिपीडिया पर ऐसे हमें बैकलिंक्स बनाने हैं जिसकी सच में विकिपीडिया पर जरूरत है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने कोई भी नॉर्मल बैकलिंक लगाया, विच इज वेरी इजी टास्क, तो आपका विकिपीडिया जो है वो लिंक रिमूव कर देगी, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। दैट वुड बी वेस्ट ऑफ कॉन्टेंट एज वेल एज वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बैकलिंक बनाना सीख लेते हैं। तो मैं देखिए यहाँ पर wikipedia.org पर आ चुकी हूँ। ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। नॉर्मली आप विकिपीडिया टाइप करोगे तो यही ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन आ रहा है कि आप अपनी लैंग्वेज जो है यहाँ पर सेलेक्ट करें, तो मैं यहाँ पर जो है इंग्लिश यहाँ पर सेलेक्ट कर रही हूँ। ये करने के बाद में आप देखोगे तो इस तरीके से विकिपीडिया का मेन पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे तो काफी सारे आर्टिकल्स, फीचर्ड आर्टिकल्स एंड ऑल आ रहे हैं, बट हमारा काम है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना अकाउंट बनाएंगे और फिर हम विकिपीडिया के किसी पेज पर, रिलेवेंट पेज पर अपना बैकलिंक लगाएंगे। तो देखो यहाँ पर राइट हैंड साइड में, अपर राइट हैंड साइड में आपको ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट अकाउंट का। तो क्रिएट अकाउंट पर जब मैं आ जाती हूँ तो ये इस तरीके से मुझसे पूछ रहा है, जैसे कि सबसे पहले यूजर नेम पूछ रहा है। तो मैं यहाँ पर जैसे अपना यूजर नेम लिख देती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर मेरा यूजर नेम रख दिया। ठीक है, ये मैंने यूजर नेम रख दिया। उसके बाद में पासवर्ड यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो लेट्स से कि मैं पासवर्ड यहाँ पर रख रही हूँ। ठीक है, ये मैंने पासवर्ड रख दिया, कन्फर्म कर देती हूँ मैं पासवर्ड। ओके, देन अपना ईमेल एड्रेस मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ। ठीक है, उसी के बाद में ये कैप्चा है तो इसको वेरीफाई कर देते हैं जल्दी से। ये करने के बाद आप देखोगे तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे, ये एक बेसिक सर्वे है, आप इसको जो है स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपने अकाउंट क्यों क्रिएट किया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि टू फिक्स अ टाइपो या टू ऐड और चेंज द इन्फॉर्मेशन टू विकिपीडिया आर्टिकल, ये हमने सेलेक्ट कर दिया है। देन उसके बाद में इसे पूछा जा रहा है कि हैव यू एवर एडिटेड विकिपीडिया, तो हम यहाँ पर कर रहे हैं कि नो, कि यहाँ पर हमने नहीं किया है, या फिर आप यस भी कर सकते हो अगर आपने पहले कभी विकिपीडिया को एडिट किया है। तो उसी के साथ में आपकी लैंग्वेज आ रही है, तो यहाँ पर इंग्लिश ऑलरेडी सेलेक्टेड है, आप चाहें तो अपनी जो दूसरी लैंग्वेज से हिंदी वगैरह वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम फिनिश करेंगे और आप देखोगे कि आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे होम पेज पर। तो आप देखोगे कि यहाँ पर इस तरीके से ये मेरा यूजर नेम यहाँ पर आ चुका है। आप इसको इस तरह से अगर ओपन करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके जो एडिट वगैरह थे, सजेस्टेड एडिट, ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। आपको कुछ यहाँ पर वो भी मिलेंगे कि हाँ भाई ये वाले जो आर्टिकल्स हैं ये आप क्या कर सकते हो, इनको एडिट कर सकते हो। बट अभी हमें क्या करना है कि सर्च विकिपीडिया पर हमें जाना है और अपने निश से रिलेटेड हमें जो चीज़ें हैं वो सेलेक्ट करनी है। ठीक है, जैसे कि लेट्स से कि मैंने यहाँ पर SEO से रिलेटेड, जैसे मेरी वेबसाइट है उसका मैं बैकलिंक जैसे बनाना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पर जैसे साइट मैप सेलेक्ट किया, जस्ट फॉर एग्जांपल। आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ढूंढना क्या है, आपको यहाँ पर ढूंढना है कुछ इस तरीके का बॉक्स, समथिंग लाइक दैट। ये देखो, ये इस तरीके का आपको बॉक्स दिख रहा है। वैसे तो आप कहीं भी जो है विकिपीडिया पर बैकलिंक बना सकते हो, इसकी कोई मना ही नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली बात है, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको ऐसे बैकलिंक बनाने जो कि विकिपीडिया रिमूव ना करे या फिर सच में जहां पर जरूरत है। ठीक है, तो अब यहां पर आप देखोगे इस तरह के आर्टिकल्स मिलते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप कहीं भी जो है इस तरीके से आप जो है ये एडिट जैसे कर सकते हो, लेकिन ज्यादा बेटर तभी रहेगा जब आपको इस तरह का कुछ ऐसा ब्लॉग सा मिल रहा है। अब ये यहाँ पर क्या कह रहा है कि दिस आर्टिकल नीड्स टू बी अपडेटेड। देखो,
यहाँ पर क्या कह रहा है विकिपीडिया कि भाई ये जो आर्टिकल है इसे अपडेट करने की ज़रूरत है। तो जब ऐसी जगह पर हम अपडेशन करेंगे, कुछ चेंज करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है हमें फ़ायदा मिलेगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर जैसे एडिट पर क्लिक कर रही हूँ, ठीक है। अब तो पहले ये देखते हैं कि भाई क्यों अपडेट करने की इसे ज़रूरत है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये बोल रहा है कि भाई ऐसा ये यहाँ पर टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, जैसे फ्लैश एक टेक्नोलॉजी होती है जो कि काफ़ी पुरानी हो चुकी है, पहले इसमें वेबसाइट वगैरह बनती थी, तो फ्लैश जो है काफ़ी पुरानी हो चुकी है और कई सारे ब्राउज़र जो हैं इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर ये जो फ्लैश वर्ड यूज़ हुआ है तो इसको रिमूव करके कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम यहाँ पर ला पाएं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से हम एडिट करेंगे इसको। एडिट पर हमने क्लिक किया तो स्टार्ट एडिटिंग आ जाएगा, इस पर हम क्लिक करते हैं। अब ये क्लिक करने के बाद में इस तरह से आप देखोगे तो ये कर्सर आ गया, लिंक्स आ गया, अब यहाँ पर कुछ भी एडिट कर सकते हो। तो अब यहाँ पर जैसे इन्होंने बोला कि भैया फ्लैश यहाँ पर रिमूव हो जाए, तो हम यही करेंगे। जैसे कि साइट मैप्स आर यूजफुल टूल फॉर मेकिंग साइट्स बिल्ट इन फ्लैश, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ ये वाला जो पार्ट है इस तरह से कि साइट मैप्स आर ए यूजफुल टूल फॉर मेकिंग साइट्स रिसर्चेबल, ठीक है, मैंने फ्लैश वाला पार्ट हटा दिया है, ठीक है। अब ये करने के बाद में ऑब्वियसली बात है कि मुझे यहाँ पर अपना रेफरेंस भी देना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पर कुछ और लाइन भी लिखी हुई है, इफ़ ए वेबसाइट नेविगेशन बिल्ट विद फ्लैश एंड समथिंग लाइक दैट, तो यहाँ पर भी मैं इसको ऐसे रिमूव कर देती हूँ। और फिर जो भी मेरा ब्लॉग है जहाँ पर भी मैंने कुछ SEO रिलेटेड लिखा है, वहाँ से मैं कुछ कंटेंट जो है यहाँ पर रेफर कर लूँगी, ठीक है। जैसे कि ये मेरी वेबसाइट है ट्यूटोरियल्स फ्रीक, इसमें ये जो यहाँ पर SEO वाला जो पार्ट है इसके अंदर साइट मैप वाले सेक्शन पर मैं आ जाती हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे XML साइट मैप समथिंग लाइक दैट, तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर साइट मैप से रिलेटेड कुछ लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर इस तरह से जैसे यहाँ से कुछ मैंने कंटेंट ले लिया, आप सेम लिखो चाहे फिर चेंज करके लिखो, आपकी मर्जी है, बट मैं यहाँ पर ऐसे रेफरेंस के तौर पर ले रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर साइट कर रही हूँ, साइट मतलब कि ये रेफरेंस कहाँ से है। तो अब मेक श्योर करना है कि जो भी आप ये कंटेंट लिख रहे हो ना, ये आपका ओरिजिनल होना चाहिए, खुद का लिखा हुआ होना चाहिए, तभी यहाँ पर साइटेशन ये वर्क करेगा। साइटेशन मतलब हम ये बता रहे हैं कि भाई ये जो हमने कंटेंट लिया है हमने कहाँ से लिया है। तो जैसे मैं यहाँ पर साइट यहाँ पर लिख रही हूँ, तो यहाँ पर अब लिंक आ जाएगा, तो मैं यहाँ पर मैंने ये वाला जो लिंक है ये मैंने कॉपी कर लिया और ये मैंने इधर लगा दिया, ठीक है। ये यहाँ पर इस तरह से जनरेट हो गया। तो अब यहाँ पर हम ये जो साइट यहाँ पर लिखा हुआ है इस पर मैं क्लिक करूंगी, ठीक है, और इस तरह से मैनुअल में यहाँ पर वेबसाइट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो हम मैनुअली एक साइटेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर लास्ट नेम इस तरह से आपको बनाना है। अब जो भी इस पर्टिकुलर ब्लॉग का ऑथर है उसी का नाम यहाँ पर जाएगा। जैसे मैं अभी के लिए यहाँ पर ले रही हूँ कि जैसे कि ये मैंने लिखा है ब्लॉग, वैसे मैंने नहीं लिखा, ऑब्वियसली बात है टीम ने लिखा है, बट मैं एग्जाम्पल आपको शेयर कर रही हूँ। ये जो पर्टिकुलर सोर्स है ये कब पब्लिश हुआ है, ये डेट यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर डेट लिख रही हूँ, वैसे आपके ब्लॉग के साथ में जो है डेट होगी ही डेफिनेटली, ठीक है। टाइटल, अब ये जो आपका सोर्स पेज है इसका टाइटल क्या है, तो मैं यहाँ पर यही लिख रही हूँ, दिस समथिंग लाइक दैट, यही टाइटल मैं लिख रही हूँ। उसी के साथ में URL, तो URL मैं यही वाला कॉपी करूंगी, ऑब्वियसली बात है क्योंकि यहीं पर ही मेरा सोर्स है ये। URL status डेड है, ये एक्टिव है, तो यहाँ पर हम करेंगे भाई URL लाइव है अभी। उसके साथ में आर्चिव URL कि भाई इन केस अगर ये URL जो है लाइव नहीं रहता तो नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा रहेगा। अब यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने ये आर्चिव URL है तो इसको मैंने स्किप कर दिया है, मतलब अगर मान लो ये वाला URL आपका अनअवेलेबल हो जाता है तो कौन सी URL को हमने रेफरेंस लेना है। उसके बाद में नेम ऑफ वेबसाइट आ गया है, यहाँ पर URL एक्सेस डेट आ गया तो मैंने आज की डेट ले ली है, नेम ऑफ वेबसाइट मैंने यहाँ पर डाल दिया है और हम इसको ऐसे इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा ऐसे रेफरेंस लग गया है। और यहाँ पर मैं आपको चीज बताती हूँ, सबसे लास्ट में ये यहाँ पर देखो इस तरीके से यहाँ पर ये मेरा रेफरेंस यहाँ पर आ चुका है, कोई भी पर्सन इस पर क्लिक करके मेरे इस पर्टिकुलर आर्टिकल पर जा सकता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक बैकलिंक यहाँ पे लग गया। अब ये करने के बाद में पब्लिश चेंजेस हम कर देंगे, ओके। एडिट की समरी, अब आपको यहाँ पर एडिट की समरी देनी है कि जो आपने एडिट किया है वो क्या एडिट किया है, क्या उसमें चेंजेस लाए। तो यहाँ पर आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो कि वाई, इस तरीके से आप अपना मेंशन कर सकते हो भाई, वाई साइट मैप इज इम्पॉर्टेंट फॉर SEO, ठीक है, समथिंग लाइक दैट मैंने इस तरह किया। दिस इज अ माइनर एडिट, बिल्कुल माइनर एडिट है तो पब्लिश मैंने चेंजेस कर दिए, ठीक है। कैप्चा वेरीफाई कर देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि इस तरह से ये जो मेरा एडिट है यहाँ पे हो गया है। ये देखोगे आप साइटेशन, तो यहाँ पर ये देखो साइटेशन भी लग गई है, कोई भी इस पर क्लिक करके मेरे इस पर्टिकुलर पेज पर आ सकता है। लेकिन देखो अब यहाँ पर आपको बस एक चीज समझनी है कि विकिपीडिया उसी लिंक को रखता है अपने पेजेस पर जहां पर उसे लगता है कि ये वो इन्फॉर्मेशन है या फिर ये वो चीज़ है जो कि विकिपीडिया के पास अवेलेबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल साइट मैप है और साइट मैप वाले सेक्शन में आप SEO के कोई ब्लॉग का
बैकलिंग लगा रहे हो, तो वो चीज तो गलत होगी ना, वो तो आप लगा ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एसईओ के जो ब्लॉग है ना वो विकिपीडिया पर पढ़े, तो विकिपीडिया क्यों चाहेगा कि कोई पर्सन मेरे वेबसाइट पर आने के बाद आपकी वेबसाइट पर जाए। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या दिया है, हमने डायरेक्ट बैकलिंग नहीं लगाया, वो भी हम कर सकते हैं लेकिन वो विकिपीडिया हटा देगा। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे तरीके जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि विकिपीडिया पर कौन से लिंक्स डेड हो चुके हैं या फिर ब्रोकन लिंक्स हैं, या फिर मैं कहूँ वो लिंक जो कि काम नहीं कर रहे हैं, उनका सोर्स पूरी तरीके से हट चुका है या वो पेज डिलीट हो चुका है। तो जो डेड लिंक्स होते हैं वो बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होते हैं कि आप विकिपीडिया पर उस डेड लिंक की जगह पर अपना लिंक लगा पाओ। तो पहले हम डेड लिंक ढूंढेंगे। उसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि किसी ने कोई आर्टिकल ऐड किया हुआ है लेकिन उसका जो साइटेशन है वो प्रॉपर वहां पर अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी भी चीजें हम ढूंढ सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला तरीका जो मैं आपको बता रही हूं वो ये है, इसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगी। ये विकिपीडिया का एक ऐसा पेज है जिसके अंदर सभी आर्टिकल्स के डेड एक्सटर्नल लिंक हैं, आप यहां पर देख सकते हो। ठीक है, मतलब ये वो आर्टिकल्स हैं जहां पर डेड लिंक्स यहां पर अवेलेबल हैं। तो ऐसे में अब आप क्या करोगे, तो यहाँ पर जो है आप इस तरह से ढूंढ सकते हो। अगर मान लो, वैसे तो बहुत ही मुश्किल से इसमें आपको जैसे चीज़ें मिलेंगी जैसे आप इसमें जैसे SEO समथिंग रिलेटेड ढूंढ सकते हो, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। उसी के साथ में आप इस तरह से मैन्युअली भी यहाँ पर देख सकते हो, ABCD इस तरीके से रैंडम पेज यहाँ पर निकला हुआ है, तो ये सारे पेजेस यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, मैनेजमेंट रिलेटेड कोई पेज अगर आपको चाहिए, मतलब ये यहाँ पर आप देख सकते हो, बट यहाँ पर आपकी थोड़ी सी मैनुअल सर्च जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी, तो आप ये चीज़ कर सकते हो। उसके अलावा आप गूगल पर जाएंगे और यहाँ पर इस तरह से साइट कोलन लगाकर आप यहाँ पर लिखेंगे wikipedia.org। अब यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट से रिलेटेड, अपने निश से रिलेटेड कोई जो है टॉपिक यहाँ पर लिखना है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रही हूँ लेट्स से वेबसाइट डेवलपमेंट, यहाँ पर मैंने लिखा। ये करने के बाद में मैं यहाँ पर लिखूंगी डेड लिंक, ये अच्छे से याद रखिएगा, जहां मैंने ये वेबसाइट डेवलपमेंट लिखा है इसकी जगह आप अपने निश से रिलेटेड जो है कुछ कीवर्ड्स डालेंगे। अब डेड लिंक को हम जो है इस तरह से एक्सक्लेमेशन मार्क में लगा देंगे और हम एंटर प्रेस करेंगे। तो अब यहाँ पर आप देखोगे तो इस तरह से आपको कुछ चीजें मिलेंगी, जैसे जहां भी डेड लिंक आया हुआ है तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये डेड लिंक है समथिंग रिलेटेड टू दिस, तो यहाँ पर भी बहुत ही कम चांसेस होंगे, जैसे कि HTTP/404 एरर है तो यहाँ पर जो है एक डेड लिंक है। तो अभी मुझे कुछ खास रिजल्ट मिल नहीं रहे, तो एक काम करती हूँ मैं अपने कुछ कीवर्ड्स चेंज करके देखती हूँ, मे भी कुछ मिल जाए मुझे, जैसे SEO मैंने यहाँ पर टाइप किया। इसी के साथ में इस पेज पर अगर आपको कुछ लिंक्स मिल जाते हैं तो आप वहां से ढूंढ लीजिए, अदरवाइज मैं आपको एक टूल भी बता रही हूँ, इस टूल का नाम है विकी ग्रैबर। आप नॉर्मली विकी ग्रैबर लिखेंगे तो ये फर्स्ट पर यही टूल आएगा। ठीक है, webfx.com ये साइट है और इसका ये टूल है विकी ग्रैबर। अब इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का काम क्या है कि यहाँ पर जब आप कीवर्ड्स कुछ टाइप करते हो तो ये आपको उस कीवर्ड से रिलेटेड कहीं पर भी जो कोई आर्टिकल वगैरह लिखे हुए हैं, कोई इन्फॉर्मेशन है और जहां पर साइटेशन की जरूरत है, ब्रोकन लिंक लगे हुए हैं, वो आपको बताता है, नॉट जस्ट विकिपीडिया पर बट हर जगह पर। तो जैसे कि मान लो यहां पर मैं कुछ कीवर्ड डालती हूं, जैसे कि वेबसाइट डेवलपमेंट, ये मैंने कीवर्ड डाला, स्टार्ट सर्चिंग करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो टोटल 20 आपको रिजल्ट्स मिले, जिसमें साइटेशन मिसिंग है वो 10 ऐसे पेजेस हैं और डेड लिंक्स जिन पर है वो 10 पेजेस हमें मिले हैं। तो आप यहाँ पर इस तरह से देख सकते हो, जैसे कि ये एक पेज है, यहाँ पर आप देखोगे तो स्क्रिबर पर है ये। ठीक है, ऐसे में मैं आप चाहूंगी कि यहाँ पर विकिपीडिया का कोई मुझे पेज मिले। ठीक है, तो मैं कोई विकिपीडिया का पेज ही ओपन करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर भी अब आपको थोड़ी सी जो है मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे ये एक यहाँ पर आ गया, यहाँ पर जो है हमारा ये मिसिंग है तो देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर जहां जहां भी आपको रेड मार्क दिख रहा है, जैसे कि ये देखो यहाँ पर ये दिख रहा है, ये यहाँ पर जो है मिसिंग है। ठीक है, यहाँ पर मिसिंग है, और देख लेते हैं कहीं कोई रेड मार्क दिख रहा हो तो, मतलब वो पर्टिकुलर जो हमारा लिंक है वो मिसिंग है, साइटेशन उसका मिसिंग है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। अब मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ, यहाँ पर आप कंट्रोल F प्रेस करो और यहाँ पर लिखो साइटेशन। ठीक है, जैसे ही आप साइटेशन लिखोगे तो ये देखो इस तरह से आ जाएगा साइटेशन नीडेड, यानी ये जो चीज है, ये जो टैग सिस्टम लिखा हुआ है, इसके अंदर यहाँ साइटेशन की जरूरत है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइटेशन ऐड करेंगे, साइटेशन मतलब हम अपना रेफरेंस ऐड करेंगे, तो रेफरेंस जब ऐड करेंगे तो उसके अंदर हम लिंक लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एडिट लिखा, एडिट के बाद में यहाँ साइटेशन नीडेड है, तो मैं यहाँ पर जो है इस तरह से इसको एडिट यहाँ पर करूंगी, या फिर मैं यहाँ पर एड साइटेशन पर क्लिक करूंगी। अब यहाँ पर देख सकते हो कि वेबसाइट नॉर्मली
तो अब यहाँ पर आप जो है ये एडिटर यहाँ पर डाल सकते हो। जैसे कि अभी हमने, जैसे मैंने आपको भी बताया कि कैसे आप अपना नाम और अपना जो है URL वगैरह वो डाल सकते हो, तो वो साइटेशन आप यहाँ ऐड करोगे। जैसे ही आप करोगे तो आपका लिंक जो है साइटेशन की लिस्ट में आ जाएगा और आपका एक बैकलिंक बन जाएगा। बस मेक श्योर करना कि जो भी आप साइट कर रहे हो किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को, वहां पर इस पर्टिकुलर टॉपिक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी वो काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो वैसे ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन अगर आप अपनी वेबसाइट का एक भी बैकलिंक अगर विकिपीडिया पर बना लेते हो ना, तो काफी अच्छी जो है आपको हेल्प मिलने वाली है। तो बस जाइए विकिपीडिया पर, खूब सारी रिसर्च कीजिए, टूल्स का यूज कीजिए, एज वेल एज कुछ अच्छा जो कॉन्टेंट है वो विकिपीडिया को दीजिए। बस जो मैंने आपको चीजें बताई है उन्हीं का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमें क्वालिटी पर फोकस करना है, क्वांटिटी पर नहीं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक keep learning।